आप सभी का स्वागत है आपके साथ प्रभुरिया तोमर। हाल ही में 2000 का नोट बंद हो गया है। पिछली बार भी नोटबंदी हुई थी, उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, मैं जानना चाहती हूँ इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति स्पष्ट नहीं है, और जिस तरह से कालाधन पर रोक लगाने के लिए पहले इन्होंने 2000 किया था और अब इन्होंने 2000 को लोक सड़क से बाहर कर दिए हैं। जो भी हमारी जनता उसको सितंबर का समय दिया है, तक का समय दिया है। मेरा कहना है कि लोगों का प्रचार जो किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही किया गया, मार्केट में आए और आज का अवसर क्या भारत में बाहर आया है। और मेरा मानना है कि जन मानस को परेशान करने का और चंद जो बड़े लोग हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए मैं कोशिश करूँ। सर, निकाय चुनाव नजदीक है, किस तरह से तैयारी है पार्टी? पार्टी का निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से पूरी दिशा में प्रयास कर रही है और गठबंधन भी टाइम में पार्टी बहुत गंभीर भी चुनाव को लेकर सबको साथ लेकर तीन बार किस जनता का निश्चित राज्य राज्य सरकार माहौल है, इस तरह से मार्गारी चरम सीमा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है और जो डर और भय का माहौल है, दूसरे उससे भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बात होगी और जनता निश्चित रूप से उनके साथ उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।